ये जो है ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ठीक है ना। ये पूरा जो सिस्टम जो है ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस पे रहता है? फोर व्हीलर में रहता है, ठीक है ना, और जीप में भी रहता है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं, यही अपन को देखना है, ठीक है। ये वर्किंग कैसा करता है, इसमें कौन सा इतना ये पूरा वर्किंग कैसा रहता है, ये देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम के जो मेन प्रकार है कौन से टाइप, एक एक्सटर्नल ब्रेक सिस्टम और इंटरनल ब्रेक सिस्टम। एक्सटर्नल जो ब्रेक सिस्टम जो रहते हैं वो एक्सटर्नल ब्रेक सिस्टम में किसमें रहते हो, रेलवे इंजन में एक्सटर्नल ब्रेक सिस्टम रहता है, ठीक है। और जो साइकिल का जो पहिया रहता है, साइकिल के पहिया में भी एक्सटर्नल ब्रेक सिस्टम रहता है। और दूसरा प्रकार कौन सा है, इंटरनल ब्रेक सिस्टम। अभी इंटरनल ब्रेक सिस्टम में भी उसके प्रकार आते हैं। अभी इंटरनल ब्रेक सिस्टम का यूज होता है ये जीप में, कार में, बस में, मूवी ट्रक में भी यूज होते हैं। मगर वो पहले मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, उसके भी प्रकार पड़ते हैं। मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक सर्वो ब्रेक सिस्टम, एयर सर्वो ब्रेक सिस्टम, ऐसे खूब सारे प्रकार पड़ते हैं। मगर उसमें से आप ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कैसा काम करता है, उसका वर्किंग कैसा होता है, वो देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके पूरे पार्ट देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट रहते हैं वो देखना है। अभी ये जो ये क्या है, ब्रेक पैड, इसको दबाएंगे तो क्या होता है, ब्रेक लगता है, और छोड़ेंगे तो ब्रेक टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेक पैडल है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर। ये इसको क्या बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर। ये क्या है, बूस्टर। ये क्या है, बूस्टर। और ये क्या है, मास्टर सिलेंडर। और ऑयल भरने के लिए इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वर टैंक। इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, ठीक है। ऑयल कौन सा डालते हैं इसको, डॉट फोर या डॉट थ्री, ये आई इसमें डालते हैं। और ये मास्टर सिलेंडर से जो ये लाइन गई है, ये लाइन कौन सी है, हाई प्रेशर लाइन है। ये किसकी बनी हुई रहती है, स्टील, स्टील पाइप रहता है, ठीक है। और ये क्या है, ये ड्रमर, यानी इसके ऊपर क्या रहते हैं, पहिए, ठीक है ना। अभी ये ड्रम के अंदर भी कौन कौन से पार्ट रहते हैं, ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का सिस्टम कैसा रहता है वो देखना है, ठीक है। इसको खोलो, ठीक है। अभी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में क्या है, जैसा एक मास्टर सिलेंडर रहता है, तो हर गाड़ी के चार पहिए रहते हैं, चार पहिए में व्हील सिलेंडर रहते हैं। इसमें एक रहता है तो किसी में दो भी रहते हैं, एक इस साइड में और इस साइड में भी, ठीक है ना। अभी इस सिस्टम में कैसा, एक ही दी है, ये क्या है, व्हील सिलेंडर, इसको बोलते हैं व्हील सिलेंडर, ठीक है ना। अभी ये व्हील सिलेंडर है, ये जो पीछे की जो प्लेट है इसको क्या बोलते हैं, बैक प्लेट। ये ब्लैक प्लेट के ऊपर पूरा ये सिस्टम लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें अभी ये जो है व्हील सिलेंडर है, ठीक है। ये व्हील सिलेंडर में क्या क्या रहता है, ये क्या है, ये जो कैप है, ये किस लिए रहती है, कि जे अंदर डस्ट जाना नहीं चाहिए, इसलिए ये कैप रहती है। इसके अंदर दो पिस्टन रहते हैं, कितने, व्हील सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन, एक यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। इसके बीच में क्या रहेगा, ऑयल, ऑयल, और ऑयल तो भरा रहेगा, मगर ये दो के बीच में एक स्प्रिंग रहेगा, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, एक स्प्रिंग रहेगा, पिस्टन रहेगा, पिस्टन के ऊपर क्या रहेगा, आई सी रहेगा, जिसकी वजह से आई लीकेज नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम रहता है इसके अंदर, व्हील सिलेंडर के अंदर। ये जो है, ये क्या है, ब्रेक शू है, और ये जो है लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग जो है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा, स्प्रिंग, ठीक है। और ये जो पिन है, ये कौन सी पिन है, एंकर पिन। एंकर पिन का क्या क्या है, ये जो ब्रेक शू है, इसको क्या करेंगे, कि बाहर नहीं आने देता, ये उसको पकड़ के
रखता है ये एंकर के, ठीक है। अभी बाद में अभी क्या करेंगे, ये वर्किंग कैसा करता है, ठीक है। अभी ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, बूस्टर। बूस्टर, ये बूस्टर में क्या क्या रहता है, इसमें जो ये रॉड दिखाई दे रहा है, ये जो रॉड है उसको बोलते हैं पुश रॉड, ठीक है, पुश रॉड। जैसे कि हमने ब्रेक दबाया, यानी ब्रेक पैडल दबाया, तो ये पुश रॉड क्या होता है, अंदर जाता है, ठीक है ना। अंदर ये बूस्टर के, ये बूस्टर के अंदर क्या रहता है, डायफ्राम प्रेशर रहता है, ठीक है। जैसा ये पुश रॉड, जैसा हमने ब्रेक दबाया तो पुश रॉड अंदर की तरफ जाता है, और इसमें जो डायफ्राम प्रेशर रहता है वो क्या होता है, पूरे पुश रॉड डायफ्राम से एक मास्टर सिलेंडर तक रहता है, ठीक है। जैसा ब्रेक पैडल दबाया तो ये पुश रॉड अंदर की तरफ जाएगा, और प्रेशर से वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। और इसके अंदर क्या रहता है, पिस्टन रहते हैं। मास्टर सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन रहते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक प्राइमरी पिस्टन और सेकेंडरी पिस्टन। उसके अंदर भी क्या रहता है, रिटर्न स्प्रिंग रहता है और आई सील रहती है, ठीक है। आई सील किस लिए रहती है, आई लीक नहीं होना चाहिए इसलिए रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, आई भरा हुआ रहता है, आई कौन भरा हुआ रहता है, डॉट थ्री रहेगा, देखो डॉट थ्री, ठीक है। तो जैसा पैटर्न हम दबाया तो क्या हो गया, पुश रॉड अंदर की तरफ जाता है, और यहाँ एक प्राइमरी पिस्टन रहता है और सेकेंडरी पिस्टन। जैसा पैटर्न दबाया, ये टैंक में जो ऑयल रहता है, ब्रेक ऑयल, वो क्या होता है, पिस्टन की प्रेशर से आगे की तरफ जाता है। जैसा दबाया ऑयल को आगे बढ़ गया, ठीक है। बाद में इधर क्या है, पिस्टन और सेकेंडरी पिस्टन है, सेकेंडरी पिस्टन क्या करता है, जो आई लगता है उसको भी आगे लेके जाता है। और इसमें एक वाल्व रहता है, वाल्व कौन सा रहता है, वाल्व कौन सा रहता है इसके अंदर, एक वाल्व रहता है। वो वाल्व क्या करता है, आई को, वाल्व ऐसा रहता है कि दो तरफ, एक ऐसा प्रेस करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा और रिटर्न भी आना चाहिए, ऐसे टू वे वाल्व, ठीक है। जैसा पैडल दबाया तो आगे की तरफ आई जाएगा, और प्रेशर से पाइपलाइन दिखाई दे रही है, ये जो पाइपलाइन है ये कौन सी, हाई प्रेशर पाइपलाइन, प्रेशर से आई प्रेशर से व्हील सिलेंडर तक आ जाएगा, ठीक है। जैसा पैडल दबाया पुश रॉड आगे जाएगा, पिस्टन भी आगे जाएगा, उसमें से जो आई लव प्रेशर से इस पाइपलाइन के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये व्हील सिलेंडर तक प्रेशर से आई आ जाएगा। बाद में क्या होगा, ये व्हील सिलेंडर में प्रेशर से आयल आ गया, इधर इधर एक रिटर्न स्प्रिंग है, दो तरफ क्या है, पिस्टन। जैसा प्रेशर से आयल आ जाएगा तो इधर के जो पिस्टन रहता है व्हील सिलेंडर के अंदर, तो पिस्टन इस तरह से बाहर की तरफ आ जाता है, यानी बाहर की तरफ फैलते हैं। तो व्हील सिलेंडर के ऊपर क्या है, ब्रेक लाइन। जैसा प्रेशर से आयल आएगा और पिस्टन क्या हो जाएगा, ऐसा बाहर की तरफ एक्सपांड होगा, और ये जो लाइनर है, ये जो लाइनर क्या होगी, बाहर की तरफ ऐसे फैल जाएगी। तो फैल जाएगी, तो ये जो ड्रम है इसको क्या बोलते हैं, ड्रम। ये ड्रम के ऊपर ऐसा पकड़ लेते, ठीक है, यानी ब्रेक लग जाए। जैसा ब्रेक छोड़ दिया तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ जो रिटर्न स्प्रिंग रहता है, वो रिटर्न स्प्रिंग क्या करता है कि पिस्टन अपनी जगह आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो आई का जो प्रेशर है वो क्या होता है, बैक प्रेशर, बैक प्रेशर, वो फोर्स निर्माण होता है, बैक प्रेशर फोर्स निर्माण होता है, और आई प्रेशर से फिर रिटर्न आ जाता है। पिस्टन, पिस्टन के अंदर क्या है, स्प्रिंग, फिर रिंग के प्रेशर से पिस्टन अपनी जगह आ जाएगा, फिर आई डिस्टेंस में आ जाएगी, ठीक है। और एक पैडल के ऊपर क्या है, इधर भी एक स्प्रिंग रहता है, डायफ्राम जैसा रहता है, वो उसके प्रेशर से ठीक है। अभी ये कट सेक्शन मॉडल है, जिसके आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये ऑपरेट कैसा होता है,
अभी हम पैडल दबाएंगे, ठीक है, जोर से पैडल पैडल दबाएंगे तो इसमें जो आयल रहता है मास्टर सिलेंडर, ये पुस्टर है, पुस्टर का काम क्या है, पिस्टन के अंदर भी एक पुस्टर रहता है, उसको क्या होता है आराम से उसको दबाता है, यानी जो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है इसका उद्देश्य ये देने से क्यों, यानी काम क्या है, यानी ड्राइवर को कम से कम ताकत लगनी चाहिए, आराम से ब्रेक लगना चाहिए, इसलिए ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी जैसा कि ब्रेक पैडल दबाएंगे तो क्या होगा, इसमें से जो पुश रॉड है वो पुश रॉड आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, अभी ये पुश रॉड है, जैसा मैंने ब्रेक दबाई आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, और इसमें डायफ्राम जैसा तो रहता है, ठीक है, आगे क्या रहता है और मींस ये मास्टर सिलेंडर में पुश रॉड, तो उसमें सिलेंडर यानी पिस्टन रहते हैं, प्राइमरी सिलेंडर उसके बीच में जो आयल आयल रहता है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर आयल से क्या होता है, प्रेशर से वो आयल को क्या करता है, प्रेस करता है, ठीक है, और प्रेस करने से पूरा प्रेशर से आयल कहा था ये जो व्हील सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर के अंदर आ जाता है, और व्हील सिलेंडर के बाहर की तरफ क्या रहते हैं पिस्टन, और जो ये शू है ब्रेक शू उसको ब्रेक लग जाता है, ठीक है, जैसा कि ये व्हील है, जैसा ब्रेक दबाया वैसा ये ऐसा लग जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो ऐसा घुमाएंगे तो जैसा ब्रेक दबाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है, इस तरह आप रखता है। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है ये किसके तत्व पे काम करता है, ये प्रिंसिपल जो रहता है पास्कल लॉ और ब्रह्मा, पास्कल लॉ और ब्रह्मा के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, जैसा कि आयल, ठीक है, एक अपन का बर्तन जो रहता है, बर्तन में जो आयल डालेंगे तो आयल को प्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा आयल, आयल कंप्रेस नहीं होता, ठीक है, उसको चार तरफ होल भी मारेंगे तो जैसे दबाएंगे वो तो चार तरफ जो होल है उसमें से समान क्या होता है, आयल प्रेशर से निकल जाता है, ऐसा तो नहीं है ये होल में कम निकलेगा ये होल में ज्यादा निकलेगा ऐसा रहता है क्या, नहीं, जैसा कंप्रेस जैसा उसको दबाएंगे आयल को तो क्या होता है एक समान प्रेशर से बाहर निकलता है, तो गाड़ी के चार पहिए रहते हैं बराबर, गाड़ी के चार पहिए रहते हैं, जैसा ब्रेक दबाएंगे तो चार ही पहियों को समान प्रेशर से ब्रेक लगेगा, ताकत भी कम लगेगी, ठीक है ना, और ऊपर से जो आयल जो रहता है वो आयल कंप्रेस नहीं होता, इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में आयल लगती है, ठीक है, तो आयल कौन से डालते हैं थ्री यूज करेंगे ना, तो कार ये यूज करते हैं। अभी इसके पूरे पार्ट के नाम बताओ, एक एक ये क्या है, ब्रेक पैडल, ये क्या है बूस्टर चैंबर है, और ये क्या है मास्टर सिलेंडर है, ये क्या है रिजर्व टैंक, ये रिजर्व टैंक में आयल कौन सा डालते हैं, इसको रिजर्व टैंक क्यों बोला गया, इसको इस टैंक में आयल क्या करते हैं रिजर्व, ठीक है, ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन है, और ये क्या है पूरा सिस्टम, इसमें ये ड्रम है, ठीक है, एक ड्रम में इसको खोल बेटा, अभी इस पार्ट का नाम क्या है, व्हील सिलेंडर, इसमें कितने पिस्टन रहते हैं दो। अभी कोई ड्रम में क्या रहता है, ये जो ब्लैक प्लेट है इसके ऊपर क्या रहता है, किसी में दो व्हील सिलेंडर भी रहते हैं, किसी में एक भी रहता है, ऐसा है, ठीक है, अभी इस सिस्टम में क्या है एक ही व्हील सिलेंडर है, कोई इसमें दो व्हील सिलेंडर रहते हैं दो तरफ, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, ये क्या है लाइनर, ठीक है ना, ये क्या है रिटर्न स्प्रिंग, ये कौन सा पिन है एंकर पिन, ठीक है बेटा समझ में आया, अभी फिर करो, अभी लाइनर का मटेरियल क्या है, ये जो लाइनर दिखाई दे रहा है
इसका मतलब क्या रहता है? एस्बेस्टोस और सिंथेटिक लबर वगैरह रहता है इसमें, पूरा ये मिक्स मटेरियल रहता है ये लाइजर का। ठीक है, समझ में आया? एक अपडेट कैसा होता है, इसमें पार्ट कौन से रहते हैं, ये पूरा क्या है? हाइड्रोलिक। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ सर।